नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं बहुत ही लाजवाब मिठाई आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मलाई लड्डू। बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू होती है और ये मिठाई के शॉप पे बहुत महंगी भी मिलती है। तो गाइस, आज हम इसे घर पे बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे हाफ लीटर मिल्क रख दी हूँ, दूध रख दी हूँ जो नॉर्मल हमारे घर पे आता है, और इसे हमें बॉईल करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैं एक लीटर दूध को फाड़ ली थी नींबू से और ये हमारा छेना बनकर रेडी हो चुका है। गाइस, अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप मार्केट वाले पनीर को भी ग्रेट करके ले सकते हैं। तो इसे मैं अच्छी तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाए। गाइस, अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप चाहें तो आप फोक से भी कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये हो चुका है। और इधर मैं आपको दूध भी दिखा देती हूँ, दूध भी अच्छी तरह से बॉयल हो रही है, इसे हमें स्टर करते रहना है। गाइस, मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसे हम हाई फ्लेम पे क्यों बॉयल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे इसे बॉयल करेंगे तो इसमें थोड़ा सा लालपन आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए इस मिठाई में। मैं यहाँ पे एक बड़े चम्मच मिश्री का यूज़ कर रही हूँ, ये वही मिश्री है जो हम पूजे पे चढ़ाते हैं। गाइस, इस मिश्री से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इस मलाई लड्डू में। दो चम्मच मैं चीनी का यूज़ कर रही हूँ। गाइस, इस मिठाई को हम थोड़ा सा कम मीठा बनाते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा उभर के आता है। यहाँ पे मैं दो चम्मच ले रही हूँ फ्रेश मलाई, जो घर की फ्रेश मलाई होती है ना, ये वही है। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी ले सकते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर का भी यूज़ करने वाली हूँ। तो मात्र ये इन्ग्रीडियंट से हम आज बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, मुँह में घुल जाने वाली मलाई लड्डू। तो देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। तो गाइस, तब तक मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। वीडियो ज़रूर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, स्टेज पे मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर दी हूँ और आपको दिख रहा होगा कि अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगा है और काफ़ी हद तक रेड्यूस हो चुका है। तो हाफ लीटर मिल्क हमें बहुत ज़्यादा, हाफ एकदम बिल्कुल रेड्यूस कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो हमने छेना बनाया था ना, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और वापस से हम पोटैटो मैशर से थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही लाजवाब ये मिठाई बनती है। तो गाइस, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये मिल चुकी है। अब इसके अंदर हम और सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, जैसे कि इलायची पाउडर, मिश्री। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मिश्री को मैं थोड़ा सा कूट ली थी ताकि वो थोड़ा सा और इस तरह से पाउडर फॉर्म में हो जाए। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, बट हाँ, थोड़ा सा उसे और छोटा कर लेना है। और मैं यहाँ पे इलायची पाउडर भी ऐड कर दी हूँ। उसके बाद इसे आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहें हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे ही कीजिएगा गाइस, क्योंकि हमें इसका लालपन नहीं चाहिए, बिल्कुल वाइट कलर की मलाई लड्डू होती है। यहाँ पर मैं मलाई भी ऐड कर दी हूँ। मलाई ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है और टेस्ट भी आ जाता है। तो ये बिल्कुल हो चुका है। तो गाइस, हमें पूरा नहीं सुखाना है, थोड़ा थोड़ा दूध इसमें रहे इतना हमें इसे कुक करना है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे यूं ही, ताकि ये नेचुरली ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद आगे का हम प्रोसीजर करेंगे। तो गाइस, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ये हो चुका है, तो इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो गाइस, ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसे मैं थोड़ा सा मैश भी कर ली थी ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो गया है और ईजली अब हम इसके लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से बनाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसके आप लड्डू बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छे से ये लड्डू बनके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये लड्डू बनके रेडी हो गई है। तो गाइस, एक बार आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद आप कोई भी मिठाई खाना भूल जाएंगे। ये इतनी लाजवाब मिठाई होती है। अगर आपका मन करे तो आप पिस्ता या आप केसर से इसे गार्निश कर सकते हैं
और ये आपकी मिठाई बनकर रेडी है। आप इसे फ्रिज में 8 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।